हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तरकाशी में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण विरोधी अभियान में भी भेदभाव किए जाने के आरोप व्यापारी लगा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाते वक्त व्यापारी निशाने पर हैं और रसूखदार लोगों को बचाया जा रहा है। मामला उत्तरकाशी जिले ब्रह्माखाल का है, जहां व्यापारी और स्थानीय नागरिकों ने अतिक्रमण हटाने में प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के घर गलत तरीके से तोड़े जा रहे हैं, जिसमें व्यापारियों का शोषण हो रहा है। व्यापारी राकेश परमार और सुरेश चंद्र रमोला ने बताया कि NH और जिला प्रशासन अतिक्रमण भेदभाव करके तोड़ रहा और रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रहा है। हम व्यापारियों को जो है जबरदस्ती जो है छला जा रहा है और अपने फायदे के लिए जो है बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं है, यहाँ पे रोड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, नालियाँ बन चुकी है, बिजली का पोल पड़ चुका है, पानी की लाइन पड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती जो है व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे कौन बड़े लोग हैं जिनको जो छोड़ा जा रहा है? कई हैं यहाँ पे। अब जब लोग सामने आएंगे तो बिल्कुल जब अपना सब कुछ लेके आएंगे तो तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएंगी कि जो भूमि जो बिल्कुल अवैध भूमि पे बना हो उनको तो छोड़ा जा रहा है और जिन लोगों के नाम किए हैं पुस्तैनी ज़मीनें हैं उन लोगों को तोड़ा जा रहा है। आपसे नापा जा रही ज़मीन ऊपर से वहाँ देखा जा रहा है कि 15 मीटर की तक कितना है, वहाँ ना कोई फैले खुली है, अगर किसी की फैल खुली है हमको मंजूर हो जाएगी अतुल भाई, किसी का नाम कुछ नहीं है, तभी हमसे बोल रहे हैं इसको तोड़ो जी, किस नाम पे तोड़ जाने, कुछ नहीं नापा जा रहा है, सरकार लोगों को चूतिया बना रही है, आधा ज़्यादा लोग यहाँ चूतिया बना रहे हैं लोगों को, ऐसा कर रहा है वैसा कर, आपसे नाप रहे हैं कि 15 मीटर में नाम से नाप है, 15 मीटर से कौन सा नाप है, गवर्नमेंट का कोई नाप है तो हमको बताएं कि हम इस नाप से तोड़ रहे हैं, ना किसी का रजिस्ट्री है किस नाम से तोड़ रहे, किसी का नाम का है कि नहीं है, खोल रहे हैं कि 15 मीटर में खोलना हमने, ये है इनका ये है कि अब जैसे चाहे सरकार की मर्जी है वो जैसे चाहे वैसे करे। ब्रह्माखाल बाजार आलवेदर सड़क के अंतर्गत है और यहाँ पहले चौरीकरण हो चुका है, तो वहां अब बिना नक्शे बिना मानक कैसे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने सरकार से न्याय की मांग की है और गलत तरीके से तोड़े गए भवनों को मुआवजा देने की मांग की है। पैसे लिए, उनके पैसे बनवाए और उसी पैसे से उससे बड़े बड़े मकान उन लोगों के उसी जगह पे बनवा दिए हैं जहाँ जो है उन्होंने पैसा खा लिया है, और हम लोगों को ना तो कोई इसका प्रतिकर मिला है और ना ऐसा कोई हुआ है, केवल ये है कि तुम अतिक्रमण में है तुम खाली करो बस, तो हमने तो खाली कर दिया है। आगे की रणनीति हमारी यही है कि हम इसके लिए जरूर लड़ेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, व्यापारी सब अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और जो भी इसके लिए करना पड़ेगा हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।